ऑक्सीजन को जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। खत्म कर दिया, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। और यार आज थोड़ी सैड वीडियो है। कल बहुत ही मैं तो कहूँगा लेजेंडरी सिंगर हैं। शौक था एक शौक था, मैं वैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और एक मेरे सामने आया के इज़ नो मोर। तो मैंने कहा यार अभी तो एक दो दिन पहले सिद्धू मूसेवाला की खबर आई और वो उसने हिला के रखा हुआ है उनके सारे फैंस को, पूरे हिंदुस्तान को या दुनिया भर में जहाँ भी लोग उनके चाहने वाले। तो के मेरे मतलब बचपन से मैं उनको सुनता आ रहा हूँ और उनके सॉन्ग्स के साथ बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। तो एकदम से बड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने एक स्टोरी भी डाली इंस्टाग्राम पे पूछने के लिए, क्या वाकई में सच है कि नहीं है। लोगों ने कहा सच है। वो हुआ क्या, एक कॉन्सर्ट के लिए गए हुए थे कलकत्ता। उसी कॉन्सर्ट के एंड पे इनको महसूस हुई कोई पेन। और मुझे बड़ा शॉक लगता है ऐसी न्यूज़, मतलब बहुत शॉकिंग था। अभी भी मतलब कल रात से लेकर काफ़ी टाइम मेरे जहन में इनके वो गाने, इनकी वो जो यादें गानों के साथ जुड़ी होती ना, वो आती रही। सो खैर, इनका जो आवाज़ के ज़रिए हमेशा ज़िंदा तो रहेंगे लोगों के दिलों में। और वीडियो हमारे सामने जो है इनका, अजीब लगता है कहते हुए लेकिन लास्ट परफॉर्मेंस जो इनकी थी वो आज हम देखने जा रहे हैं। लेकिन हमेशा दिलों में ज़िंदा रहेंगे अपनी आवाज़ की वजह से। बिल्कुल। और इसी परफॉर्मेंस के एंड पे लिखा हुआ है कि उनको जो तबीयत ख़राब हुई वो विजुअल भी है। तो मतलब बड़ा ही एक अजीब सा है कि, लेकिन ये है कि हम तो इसलिए देखना चाह रहे हैं कि उनकी लास्ट परफॉर्मेंस जो थी वो देखना चाह रहे हैं। सो इसको देखते हैं, देखने के बाद डिस्कशन भी करेंगे। जिस चैनल की ये वीडियो है उनका नाम मैं आपको बताता चलूँ, फिल्मी हिंट चैनल का नाम है। तो इनके चैनल का नाम, वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाके उसे फॉलो करें। ये वीडियो देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। स्टे विद अस। गुड नाइट, खत्म कर दिया ये। ओए ओए, यार मतलब है कि इमोशनल मैं हो रहा था इनके गाने सुन के। मुझे साथ अपना टाइम याद आ रहा था और वो गाने जो इन्होंने हमको दिए ना, एक तोहफा है हमारे पास। लेकिन देखो इनकी एनर्जी देखो, क्राउड देखो, और क्या ये सोच सकते थे इसी तरह लाइफ, लास्ट परफॉर्मेंस, लाइफ ऐसी है। मैंने इनकी इंस्टाग्राम पे पिक्चर देखी, बोले मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, इन्होंने पिक्चर लगाई। क्या ये सोच सकते थे कि मैं जा रहा हूँ और वहाँ से मैं वापस ज़िंदा नहीं आऊँगा, ये कोई भी नहीं सोच सकता। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को, हर पल को, हर सेकंड को हमें जीना चाहिए। ये तो और यार जिस राइड में दिखाए ना, उनकी एक शक्ल से पता चल रहा है कि उनका अच्छा खराब हो रही है। सबसे ज़्यादा यकीन माने, झूठ नहीं बोल रहा, कि गूज बम्प्स आए जब ये वापस गुड नाइट कर दिया, आए अचानक से, कुछ एकदम से यूं हुए और शक्ल इनकी ने बता दिया कि भाई बस। और लोग उनको पकड़े, लोगों ने इनको पकड़ के ले गए और गाड़ी में ही ये एक्सपायर हो चुके हुए थे। जब हॉस्पिटल ये गए हैं करीबी, तो वहाँ उन्होंने बता दिया कि ही इज़ नो मोर। और इनकी शक्ल आप देखें तो उस शक्ल ने सब बयां कर दिया था कि बस, मतलब ये इनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, क्योंकि वो जो सुना है अटैक आया ना, वो जो पेन होती है ना, वो बर्दाश्त के बाहर होती है।
और यार सबसे बड़ा शौक इनकी फैमिली को लगा होगा कि वो भी नहीं सोच सकते थे कि परफॉर्मेंस के बाद वापस नहीं आएंगे, वो घर बैठे उन्हें नहीं पता कि भाई मदर बच्चों को नहीं पता मेरे फादर गए, वाइफ को नहीं पता मेरी मेरे हस्बैंड को, मदर को नहीं पता कि मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। तो बहुत ही शॉकिंग, और बस ये दुआ करते हैं उनकी फैमिली को स्ट्रेंथ मिले। और बाकी ये फैंस भी बहुत उदास हैं क्योंकि एक लेजेंडरी सिंगर थे, हैं और रहेंगे, ऐसे सिंगर्स बहुत कम आते हैं। बाकी ये यार कि उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं और बहुत ये मतलब एक खुशी की चीज़ होती है कि आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं अपने फेवरेट सिंगर की, लेकिन वो खुशी हमें खुशी इसलिए नहीं थी, हमें गम था कि हमें पता था कि उस दुनिया में नहीं है, और उनके सॉन्ग देखते वक्त हम इमोशनल हो रहे थे, और एंड वाला जो है ना वो बहुत ही शॉकिंग था, एकदम से देखना हमारे लिए वो अच्छा नहीं था। तो बहरहाल हमारी तरफ से बहुत बहुत दुआएं, एंड आप अपनी कुछ यादें अगर के से रिलेटेड, उनके सॉन्ग से रिलेटेड कमेंट्स में छोड़ सकते हैं तो ज़रूर एक लाइन में छोड़िएगा कितना प्यार आप करते थे के से करते हैं। एंड रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमारे ब्लॉग से जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो फॉर लेटेस्ट फोटोज एंड अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए डिफरेंट और नए नए वीडियोज रिएक्शन लेके आते रहेंगे, तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा।